गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चटर्जी द्वारा लिखा गया ड्राउट देख रहे थे, यानी अकाल। और इसमें काशीपुर गांव के एक किसान गफूर की कहानी को बड़े ही शानदार ढंग से दिखाया गया है। और इस गफूर के साथ साथ ही, गफूर सिर्फ एक नाम है, इसके साथ साथ ही चटर्जी महोदय बड़ी ही स्पष्टता से और बहुत ही घनिष्ठता से ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जब अकाल गिरता है तो जो समाज का निम्न दर्जा होता है, निम्न तर्जा आप कह सकते हैं, वो जो निम्न तबका है, उन तबके के लोग किस प्रकार परेशान होते हैं। जैसे अभी इस पैंडेमिक यानी इस महामारी में आप देखेंगे जो लोग मजदूर हैं, काश्तकार हैं, वो किस प्रकार प्रभावित हुए हैं। एक तरीके से आप यूँ माने उनकी दुनिया ही उजड़ गई बेचारों की। तो तारक रत्न, जब तारक रत्न कौन है? पुजारी है। कहाँ से आया? अभी पूजा करके आया है। कहाँ? लैंडलॉर्ड के घर। उसका जो सबसे यंगेस्ट, सबसे जो छोटा बेटा है, उसका जन्मदिन है। उस सेरेमनी पे वो कोई पूजा पाठ करके आया है और वो आते समय फटकार लगा रहा है किसको? गफूर को। वजह क्या है कि महेश को जाते समय देखा तब भी यहीं बांध रखा था और अब भी आपने यहीं बांध रखा है। यानी महेश है वो धूप की वजह से, यदि उसको कुछ हो गया इस प्रकार तो ये बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। तो मालिक जो है आपकी जीते जी जो है खाल जो है वो खींच लेंगे, इस प्रकार की कुछ धमकियाँ फबकियाँ वो दे रहा है। तो वो क्या बोलता है देखिए, व्हाट शैल आई डू फादर। फादर का अर्थ है यहाँ माई बाप, कि माई बाप मैं क्या करूँ, माई बाप मैं क्या करूँ, मतलब हे मालिक आप ही मेरे मालिक हैं, मैं क्या करूँ। आई एम हेल्पलेस, मैं तो हेल्पलेस हूँ। हेल्पलेस का अर्थ होता है ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, और मुझे तो पिछले कुछ दिनों से क्या है, बुखार है। I can't take him out to graze, और मैं इसको चराने के लिए भी, graze का अर्थ चराना, चराने के लिए भी मैं इसको कहीं बाहर नहीं ले जा सकता। I feel so ill, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रही है। आगे लिखा है can't you let him graze by himself, कि क्या आप इसको छोड़ नहीं देते कि ये himself अपने आप, graze का अर्थ चर ले। यहाँ आप ये मान लेना कि महेश का क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। क्या कर दिया है जी? मानवीकरण कर दिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब है अब महेश के लिए ही का यूज कर रहे हैं, और तभी ही का क्या बना, हिमसेल्फ बना। ठीक है, आगे देखना कि क्या आप तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप इसको खोल देते ही अपने आप चर लेता। अब देखना, वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं इसको कहाँ छोड़ दूँ। यहाँ लेट का अर्थ है छोड़ना। फादर, माई बाप, पीपल हैवंट थ्रेश देयर पेडी येट। थ्रेश का अर्थ है निकालना, इसी से वर्ड बनता है थ्रेसर, जिस जो अनाज निकालने वाली मशीन होते हैं जिसको हम थ्रेसर कहते हैं, उस इसीलिए उसका नाम थ्रेसर है कि वो अनाज निकालती है। और थ्रेश का अर्थ होता है निकालना। देयर पैडी यट, कि लोगों ने अभी भी अपना जो धान है, पैडी का अर्थ है धान, उसको अभी तक उन्होंने धान जो है, धान से अनाज नहीं निकाला है, तो मैं इसको कहाँ छोड़ दूँ। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, ये इट आया धान, कि धान अब भी खेतों में पड़ा है, धान अब भी खेतों में पड़ा है। द स्ट्रो हैजंट बीन गैदर्ड, ये स्ट्रो जो है ना, इसका अर्थ है चारा। क्या है जी? चारा, कि जो धान की खेती करते हैं उसके बाद चारा बचता है उसको भी गैदर नहीं किया गया है, इकट्ठा नहीं किया गया है, ये किसी के खेत में घुस जाएगा। एवरी थिंग इज बर्न टू, इसके अलावा बोल रहा है कि और सब कुछ तो क्या हो गया है, जल ही गया है, मतलब सिंडर्स हो गया है। वो कह रहा है कि इसके अलावा सब कुछ जो है वो राख हो चुका है, जल चुका है, और कुछ तो है नहीं चरने के लिए। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनी वेयर, ए ब्लेड ऑफ ग्रास का अर्थ होता है तिनका, घास का एक तिनका भी नहीं है। एनी वेयर का अर्थ है कहीं भी। वो कह रहा है कि कहीं भी घास का एक तिनका भी नहीं है, तो ये करेगा भी क्या, मतलब मैं अब इसको कैसे छोड़ूँ भाई। या तो ये किसी खेत में घुसेगा, और क्योंकि लोगों ने धान से अभी अनाज निकाला नहीं है तो उसको खाएगा तो भी नुकसान है, लोग जो है इसकी पिटाई करेंगे, हो सकता है कोई इसको जो है मार दे,
और इसके अलावा कुछ है नहीं। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, लूज का अर्थ है खुला छोड़ना, हिम महेश के लिए आया है कि मैं इसको कैसे खुला छोड़ दूँ। फादर माई बाप, ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज, माइट का अर्थ होता है संभावना, स्टार्ट शुरू कर देगा, पोकिंग हिज नोज का अर्थ होता है मुंह मारना, ये कहीं ना कहीं मुंह मारेगा, इनटू समबडीज पैडी किसी के धान के खेत में, और ईटिंग समबडीज स्ट्रो या फिर किसी के यहाँ चारा, जो धान की कृषि जिसने की है, जिसके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, उनका चारा खा जाएगा। तारक रत्न सॉफ्टन ए लिटिल, थोड़ा सा तारक रत्न क्या पड़ गया, सॉफ्टन पड़ गया, यानी आप कह सकते हैं नरम पड़ गया, क्योंकि वो बार बार उसको क्या कह रहा है, माई बाप फादर, और हाथ जोड़ के सारी बात बता रहा है कि हे मालिक ये स्थिति है, मैं करूँ तो करूँ क्या। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, अरे कम से कम, वो कह रहा है एटलीस्ट करते हैं कम से कम, अरे कम से कम टाई बांध देते हिम करते इसे इन द शेड छाओं में, समवेयर कहीं, अरे छाओं में तो बांध देते कम से कम। एंड गिव हिम, और इसे दे देते ए बंडल, एक गठरी ऑफ स्ट्रो चारे की, और टू मंच, मंच का अर्थ होता है जुगाली करना, जुगाली, कुछ पशु आप देखना वो खाते हैं, उसको चबाते रहते हैं, उसको कहते हैं जुगाली। जैसे आप अभी देखेंगे तो जो धान का जो लास्ट का हिस्सा बचता है उसको पराली बोलते हैं, वो यही रहता है, वो जल्दी से गलता नहीं है, वो मतलब उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल कार्य है, हालांकि आजकल उसको भी काम में ले रहे हैं पशु के चारे के रूप में, तो वो डाल देते कि उसको जुगालता रहता, ये मंच करना। हैजेंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉयल राइस वाटर, अरे आपकी बेटी ने चावल पकाए होंगे ना, तो क्यों नहीं इसको तो चावल का जो पानी है उसका एक टब वो दे देते। टब मतलब आप बड़ा कटोरा मान सकते हैं, बाल्टी साइज का, लेकिन उसके जो किनारे हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं, तो क्यों ना आप वो इसको दे देते पीने के लिए, उसमें भी एनर्जी होती है, क्योंकि चावल का कुछ टेस्ट उसमें जाता है, कुछ ताकत उसमें जाती है। लेट हिम ड्रिंक इट, और उसे वही पीने को दे देते। अब कहाँ बेचारे के पास चावल है, कहाँ ये स्ट्रो है, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर बेचारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, क्या प्रत्युत्तर दे, कुछ है नहीं। ही लुक्ड हेल्पलेसली, वह असहाय स्थिति में तारक रत्न की तरफ देख रहा था। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, वो बिल्कुल असहाय होकर तारक रत्न की ओर देखता रहा, और एक गहरी आह ने उसे बचा लिया। डीप साई गहरी आई, एस्केप का अर्थ बचाना हिम। अब वो क्या है देखना, आई सी यू हैवंट इवन गोट डेट मच, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, मतलब वो भाप गया, तारक रत्न पुजारी है तो वो बहुत धूर्त है, वो तुरंत भाप गया, वो कह रहा है कि मैं तो ये समझता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये चावल वगैरह भी और ये सूखा घास वगैरह कुछ नहीं है। वाट हैव यू डन, तुमने क्या किया विद योर शेयर, शेयर करता हिस्सा, कि उस हिस्से का क्या हुआ ऑफ स्ट्रो, जब आप खेती करता है वो शेयर क्रॉपर है, वो बटाईदार किसान है, तो वो लाइक तुम्हारे हिस्से का जो चारा था उसका तुमने क्या किया, चारा तो मिला होगा ना तुमको खेत से। आई सपोज, मैं ये सोचता हूँ, यू हैव गोन, तुम गए, सोल्ड इट, इसको बेच दिया, सो सेटिस्फाइड योर बेली, बेली का अर्थ पेट, कि अपना पेट भरने के लिए मुझे लगता है तुमने वो चारा बेच दिया, और ये महेश बेचारा मर रहा है, ऐसा तुमने किया, जबकि उसको पता नहीं है कि गफूर सबसे ज़्यादा प्रेम, अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्रेम महेश से करता है, महेश को अपना बेटा मानता है वो। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, कि इस बुल के लिए एक बंडल भी बचा के नहीं रखा। हाउ कॉलस यू आर, वो कह रहा है कि तुमने इसके लिए एक बंडल भी नहीं बचाया, तुम कितने कैलस हो। कैलस का अर्थ होता है निर्दयी, क्या होता है जी, निर्दयी, कि तुम कितने निर्दयी हो। अब देखो उसको निर्दयी कह रहा, और अब वो बताएगा, देखना स्थिति देखना। एट दिस क्रूअल एक्शन गफू सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, क्रूअल का अर्थ होता है निर्दयी, और एक्यूजेशन का अर्थ होता है आरोप, अक्यूज्ड, हम आते ना अक्यूज्ड शब्द इसी से बनाया, अक्यूज्ड ये
ACCUSED, इसी से बना है एक्यूजन, आरोप लगाना, अक्यूज्ड आरोपी। वो कह रहा है जैसे ही निर्दयी आरोप लगा, गफूर सीम्ड, गफूर प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था टू लूज, मान लो उन्होंने खो दियो द पावर ऑफ स्पीच, बोलने की ताकत, क्या बोले वो, मानो उसके पास कोई शब्द नहीं। ये जैसे उसके ऊपर झूठा आरोप लगा तो अब वो जवाब भी देता है, देखना। दिस ईयर, इस वर्ष, आई वॉज टू हैव रिसीव माई शेयर ऑफ स्ट्रो। वो अब उसको प्रत्युत्तर दे रहा है, क्या प्रत्युत्तर दे रहा है, वो कह रहा है कि इस साल मुझे अपने हिस्से का स्ट्रो मिलना था, मिला नहीं, मिलना था। सैड गफूर, गफूर ने कहा स्लोली, धीरे से, आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन, हिचकिचाते हुए, मिला नहीं, बोलो मिलना था, मैंने भी सोचा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन क्या हुआ जब अनाज का बंटवारा हुआ, हम लाने के लिए गए तो क्या हुआ देखना। बट द मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, मालिक कौन, लैंडलॉर्ड, जमींदार, कैप्ट, उसने रख लिया इट, ये आया हिस्से के लिए, शेयर के लिए, ऑल, पूरा का पूरा, ऑन अकाउंट का अर्थ है की बजाय, किस बजाय, ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट, लास्ट, पिछला ईयर का अर्थ है वर्ष, और रेंट का अर्थ है किराया, कि जमीन वो जब देते हैं ना हिस्से पकड़ने के लिए तो बदले में कुछ पैसे लेते हैं, उसके बदले, उस रेंट के बदले, मतलब जो मेरा कर था उस कर के बदले जमींदार ने लगान भी, आप कह सकते हैं लगान अच्छा वर्ड है इस रेंट के लिए, लगान, तो पिछले वर्ष की मेरी लगान बाकी थी क्योंकि अकाल गिर रहा था, तो उन्होंने ये मेरा बोला तुम्हारी लगान बाकी है ये छोड़ जाओ तुम। सर, मालिक, यू आर अवर लॉर्ड, आप ही हमारे भगवान हैं, एंड मास्टर, स्वामी हैं, आई इम्प्लोर्ड यू, वो कह रहा है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, फॉलिंग एट इज फिट, और इसके साथ ही वो तारक रत्न पुजारी के पैरों में गिर गया, क्योंकि गफूर जानता था कि तारक रत्न जो है वो जमींदार का बहुत करीबी है, विश्वसनीय है, जमींदार उसकी सारी बातें मानता है, उसके पैरों में गिर गया बेचारा गरीब आदमी है। वेयर एम आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा, इफ़ आई लीव योर डोमेन, डोमेन का अर्थ होता है जी क्षेत्र, जगह, ये जगह मैंने यदि छोड़ दी मैं जाऊँगा कहाँ, लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, मुझे थोड़ा सा सूखा घास दिला दो, चारा दिला दो, स्ट्रो का अर्थ है चारा, मुझे चारा दिला दो, देर इज ए नो स्ट्रो ऑन माई रूफ, मेरे तो मकान की झोपड़ी की छत पर भी चारा नहीं बचा है, वी हैव ओनली वन हट, हमारे पास एक झोपड़ी है, इन विच टू फादर एंड डॉटर इन लिव, जिसमें हम, मैं और मेरी बेटी, यानी हम दो, यहाँ टू करते हैं दो, दो कौन, फादर और डॉटर, लिव करते रहते हैं हम, जिसमें दो लोग रहते हैं, वी सेल पैच द रूफ विद पाम लीव्स, वो कह रहा है कि हमने, वो बहुत प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें दे दो, हमने क्या कर रखा है, पैच कर रखा है, पैच का अर्थ होता है ढकना, द रूफ, छत को, विद पाम लीव्स, ये ताड़ के पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं उनसे, एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, किसी तरह, वो कह रहा है कि ताड़ के पेड़ों की पत्तियों से हमने इसको ढक रहा है, और किसी तरह हम बरसात का जो इस प्रकार जो मौसम है उससे समहाउ किसी तरह हम संभाल रखा अपने आप को, बट वट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन बिना भोजन के महेश का क्या होगा भाई, ये बरसात का मौसम किसी तरह, शायद इस बार यदि रेनी सीजन आता है क्योंकि पिछले दो तीन वर्ष से अकाल गिर रहा था तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इस महेश का क्या होगा बेचारे का बिना खाने के। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको महेश की कितनी परवाह है, और ये तारक रत्न कितनी बकवास कर रहा है, उसको बोल रहा है चोर हो तुम, स्काउंडरल हो, ये हो वो हो, इंडीड, वास्तव में, सो यू आर फंड इनफ ओ महेश, दिस इज ए जोक, देखो क्या कर रहा है, बोला वास्तव में, सो यानी कि तो तुमको महेश की क्या है, फंड है, फंड का अर्थ है यहाँ परवा, कि तुमको तो काफ़ी चिंता है यार, दिस इज ए जोक, यह भी एक मजाक है, मुझे तो पता ही नहीं था बोलो तुमको महेश की परवा है। अब वो अपना कलेजा तो चीर के दिखा नहीं सकता, बट दिस, वो कह रहा है उसने ये बात तो कही, लेकिन ये जो है ना उसका क्या साकेजम,
ये जो साकेजम है डिडंट रीच गफूर। साकेजम का अर्थ होता है जी ताना। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताना, ताना देना, व्यंग्य करना। ये जो ताना है वो गफूर समझ नहीं पाया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन जमींदार ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। ये मास्टर जमींदार के लिए आया है। ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात को कहना जारी रखा। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months। वो कह रहा है कि मुझे केवल 2 महीने के उपयोग लायक ही क्या दिया गया, पैडी यानी धान दिया गया, लेकिन महेश के लिए चारा नहीं दिया गया। माई शेयर ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो का अर्थ है चारा, मेरे हिस्से का चारा। वोज एडिड, बढ़ा रहा है, टू हिज ओन स्टॉक, उनके खुद का जो स्टॉक है, स्टॉक यानी भंडार, यानी मेरे हिस्से का जो चारा है वो भी उनके भंडार में मिला दिया गया। महेश डिडेंट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट। देखिए जी, विस्प का अर्थ होता है जी तिनका, तिनका। महेश को तो उस चारे का तिनका तक नहीं मिला बेचारे को, वो भी उन्होंने रख लिया। वेल डोंट यू ओव हिम अनी, ओव करता उधार लेना, हिम उनसे मनी धन, क्यों, क्या तुमने उनसे पैसे उधार नहीं रखे, पैसे पेड़ पे उगते, तुमको पैसे दे रखे, मतलब ऐसी कई बकवास करेगा वो। सेड तारक रत्न अनमूव्ड, तारक रत्न जो है जैसे वो मांगता है, कहता आप कुछ तो दिला दो, तो बोलता अच्छा क्या तुमने रुपए नहीं ले रखे, क्या तुम कर्जदार नहीं हो। तारक रत्न ने अनमूव्ड करते बिना हिले डुले ये कह दिया। Why shouldn't you have to pay? वो कह रहा है तुम उनके पैसे क्यों नहीं चुकाते, पैसे होते तो चुकाता बेचारा। Do you expect that landlord to support you? और तुम ये आशा करते हो कि जमींदार तेरा खर्चा चलाएगा, मतलब आपको सहारा देगा, सहानुभूति दिखाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। But what am I pay him with? लेकिन मैं कर्जा क्या देके चुकाऊं? देखिए पे का अर्थ है चुकाना, हिम जमींदार को, विद का अर्थ है किस चीज से कर्जा उतारूं। वी टिल 4 बीघा ऑफ जमीन फॉर हिम, वो कह रहा है कि मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, हम उनके लिए 4 बीघा खेत जोतते हैं, फॉर हिम उनके लिए। बट द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स, जबकि धान जो है लगभग खेत में सूख गया। ड्यूरिंग द ड्राउट्स, अकाल के दौरान, इन द लास्ट 2 ईयर्स, कि पिछले 2 वर्ष से तो अकाल ही गिरा है, बारिश हुई नहीं, तो धान खेतों में ही सूख गया, थोड़ा बहुत अनाज हुआ है, तो मैं कैसे उतारूं कर्जा। माई डॉटर, मेरी बेटी, एंड आई हैव, कि मैं और मेरी जो बेटी है वो कह रहे हैं, देखिए, हैव नॉट इवन एबल टू ईट, हम तो पर्याप्त खा भी नहीं सकते, यानी मर तो रहे नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। लुक एट द हट, श्रीमान मालिक, स्वामी, मेरी झोपड़ी तरह देखो। वैन इट रेन्स, जब थोड़ी बहुत बरसात होती है, आई स्पेंट द नाइट, मैं रात बिताता हूँ, विद माई डॉटर, मेरी बेटी के साथ, कहाँ, हेडल का अर्थ है दुबकर, दुबकर बैठता हूँ, मतलब अपने आप को समेट लेता हूँ, इन वन कॉर्नर, एक कोने में, क्योंकि पूरी झोपड़ी टपकती है। वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग, स्ट्रेच फैलाना, लेग पैर, हम तो अपने पैर भी नहीं फैला सकते। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, रिब्स का अर्थ फसलियाँ, हड्डी फसलियाँ, काउंट का अर्थ गिनना। देखो इसकी हालत, आप इसकी हड्डी फसलियाँ भी गिन सकते हैं। Do lent me a bit of hay for him, कि मुझे, हे का अर्थ है सूखा घास, इसके लिए मुझे कुछ सूखा घास lent कर दो, उधार दे दो। वो कह रहा है कि आप महेश के लिए मुझे थोड़ी सूखी घास उधार दे दो। So that ताकि ही महेश can have something to eat for a day or two, एक दो दिन तो बेचारा कुछ खा लेगा, एक दो दिन के लिए दे दो कुछ। एंड गफूर, और इसके साथ ही सैंक डाउन, बैठ जाता है, धस जाता है, ऑन द ग्राउंड,
एट तारक रत्न फिट। देखो आप महसूस करो इस पीड़ा को। वो जो पुजारी है उस पुजारी के पैरों में पड़ जाता है बेचारा इसी प्रार्थना के साथ। अब पुजारी देखो, नो 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 नो, मूव असाइड, अलग हो जाओ, दूर जाओ, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। बताओ, अभी ज्ञान दे रहा था ना, भाषण दे रहा था, प्रवचन दे रहा था, और अब क्या कह रहा है, मुझे लेट हो रहा है। और सामान्य कई लोग करते हैं ऐसा, ज्ञान बहुत दिखाते हैं लेकिन मदद का जब परिस्थिति आती है तो वो बहाना बनाते हैं। ऐसा बनावटी व्यवहार नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। तारक रत्न मेड ए मोमेंट एज दाउ टू डिपार्ट स्माइलिंग, डिपार्ट जाना, एज दाउ जैसे ही मोमेंट हलचल, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। देखो क्या कह रहा है, उसने जाने के लिए हलचल की कि मुझे जाना है, मैं लेट आ रहा हूँ। और क्या बोल रहा है देखो, गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्स, ये ही महेश के लिए आया है, सीम्स दिखाई देना, तो ब्रेंडिस हिज होम्स एट मी। वो क्या कह रहा है कि वह तो अपने जो होन है, होन करते सिंह, मैंने बता दिया था ही महेश के लिए आया है, कि ऐसा लग रहा है कि अपनी सिंह जो है वो मेरी तरह ही क्या कर रहा है, ब्रेंड्स कर रहा, ब्रेंड्स करता घुमाना, ये तो मुझे सिंह दिखा रहा है। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मतलब मुझे मार देगा, थोड़ा डर तो गया वो। ही कैरीड, ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, डर और क्रोध दोनों के साथ वो क्या हुआ, क्राइड आउट, चीखा, स्टेपिंग हरिडली बैक, स्टेपिंग कदम हरिडली तेज गति से बैक वापिस कर लिए फ्रॉम द बुल, और बुल से, वहाँ बुल भी पास में बंधा हुआ है, तो तुरंत अपने पैरों को पीछे उन्होंने हटाया। और बुल उसको मारना नहीं चाहता, यानी बैल मारना नहीं चाहता, उसने जो बैग ले रखा ना, कई सामान है उसमें, वो लाया पूजा करके वहाँ से हड़प के, उसमें से कुछ खाने को चाहता है वो, क्योंकि भूखा है बेचारा। इससे आगे की कहानी हम कल की वीडियो में देखेंगे।